दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका पूरा सॉल्व क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो सेट देख लिया 825 ओए उसका पूरा सॉल्विंग क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा भी पता लग जाएगा कि कैसे ये इसमें क्या क्या आंसर थे किसके। तो आइए फ्रेंड्स बिना टाइम को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, पूर्णांक इसका 70 का था। यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर्यावरण अध्ययन नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास से आपका कोई मतलब नहीं है। देखिए आप डायरेक्ट आते क्वेश्चन पे, देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन था। देखिए हमारा इसमें पहला खंड था, खंड का बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न था तो उसमें आपको उत्तर लगाने थे। बहुविकल्पी प्रश्न के ऊपर पढ़ लिए निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहले कितने थे केंद्र शासित प्रदेश, 7 थे लेकिन अब 9 है। तो देखिए डायरेक्ट आप इसको टिक मार दीजिए, अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस युग से हुआ, अभ्युदय किस युग से हुआ पुनर्जागरण युग का, तो ये हुआ किस देश से हुआ, मतलब किस देश से हुआ, तो ये हमारा इटली से हुआ। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, जो विश्व व्यापार संगठन था उसकी स्थापना कहाँ से हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी हमारे जेनेवा। इतना आपने किया होगा तो आपका बिल्कुल ही सही, आपका 3 नंबर मिल चुके हैं। उसके बाद देखिए आपका था मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये है 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश। फ्रेंड्स देखिए सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए थे, अगर आपने वीडियो देखा रहा तो वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा रहा होगा तब आप ये इसको कर लेंगे। देखिए क्या है इसमें इंग्लैंड। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन। फ्रेंड मैंने इसको आपको डीपली पूरा बताया हुआ था, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था हमारा चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो था हमारा मुख्य कारण। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा और जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहले हम सारे इसमें बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लेकिन इसके पहले ये देख लीजिए यहाँ पर, जैसे इसमें जो बहुत छोटे हैं, जैसे ये है गुटनबर्ग कौन था, वाक्य प्रसिद्ध था गुटनबर्ग, मतलब इसने छापे खाने का आविष्कारक था। क्या लिखेंगे आप, छापे खाने का आविष्कारक था। देखिए पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं तो आते हैं उसके। देखिए चिपको आंदोलन संबंधित था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पहले आप देख लीजिए ये है आपका यहाँ पर भूगोल से, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि खंड खा बहुविकल्पी ये प्रश्न हमारा 15वां है। चिपको आंदोलन संबंधित था मृदा संरक्षण से कि वन संरक्षण से कि जल संरक्षण कि वायु संरक्षण। अब देखिए चिपको आंदोलन ये संबंधित था वन संरक्षण से, मतलब जब भी पेड़ काटे जाते थे तो सारे लोग जाकर पेड़ पर चिपक जाते थे, मतलब पेड़ को पकड़ लेते थे, वे काटने नहीं देते थे वहाँ के स्थानीय लोग। तो देखिए हमारा 16 है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो उसके लिए उचित भूमि हमारी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, ना कि लाल मिट्टी, ना जड़ोल मिट्टी, ना लेटराइट मिट्टी, इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। आइए देखते हैं और हमारा प्रश्न आपका 16 क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर है 17वां है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। अब देखिए फ्रेंड्स रबी की फसल इसमें से कौन है, धान है कि दालें हैं कि कपास है कि मोटे अनाज। देखिए इसका होगा हमारा सही आंसर मोटे अनाज, देखिए ये होगा। उसके बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा कब लागू किया गया था, तो ये हमारा होगा देखिए 1986। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे किए होंगे, देखिए आपको कैसे लिखना था, मैंने आपको लिखने का तरीका ही बताया हुआ था। अगर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देखते रहे होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से आपका पेपर गया होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब आप किए रहिए, वीडियो को जरूर से लाइक करिए। फ्रेंड्स इतना मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को शेयर भी करें। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट है 19वां, ये है निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। अब देखिए आधारभूत उद्योग कौन सा है, पहला हमारा ऑप्शन है चाय, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा है लोहा एवं इस्पात, और हमारा क्या है चौथा जूट। तो देखिए क्या पूछा है इसमें, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग ये है हमारा लोहा एवं इस्पात। क्या है, लोहा एवं इस्पात हमारा आधारभूत उद्योग है। फ्रेंड्स अगर आप ये सब किए होंगे तो आपका सही होगा। अब देखिए अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 20वां प्रश्न है भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन थे, मैंने आपको लिख के बताया हुआ भी था कि ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है देखिए हमारे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि पंजाब नेशनल बैंक, कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए ये जो करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार हमारे रिजर्व बैंक को प्राप्त है। अगर फ्रेंड्स आपने ऐसा किया होगा तो आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए फ्रेंड्स इतना आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गए। कुल मिला के कितने नंबर थे? 12 नंबर के थे, 12 नंबर के ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। और देखिए जो जो इंपॉर्टेंट मतलब इसमें है उसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जैसे जिनमें जीवन व्याप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए फ्रेंड्स जीवन किसमें व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य में व्याप्त होता है, और हो गया हमारा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जो सजीव हैं उसे हम जैव संसाधन कह सकते हैं। और इसी में पूछा है अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, अर्थात ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। और इसमें जैसे उदाहरण में लीजिए जैसे कोयला और चट्टाने और भी मतलब जितने पेट्रोलियम, ये सब हमारे हो गए अजैव संसाधन। तो ये सब आपको समझ में आ गया। और इसमें सारे प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं, ये सब तो बहुत बड़े प्रश्न हैं, इसको आप आगे किए होंगे तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो एकदम सेम टू सेम रहे वही आपको उतारना है। आप इसको अपने मन से अच्छे से बनाकर आप इसको लिख सकते थे। और देखिए यहाँ पर जो मैप फिल करने वाला था, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है क्या होगी, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। किसी परमाणु केंद्र का नाम इससे चिन्ह द्वारा करना था, मतलब ऐसे बना के परमाणु केंद्र हमारा हो गया तारापुर, आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब ये था हमारा कहाँ पर, दिल्ली था। उसके बाद देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गेहूँ उत्पादन का प्रमुख राज्य, मतलब गेहूँ उत्पादन करने में प्रमुख राज्य कौन सा है वो आपको लिखना था, तो ये हमारा होगा पंजाब। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे किए होंगे मतलब एकदम अच्छे, जैसे हमारा मान लीजिए मैप था, मैंने आपको मैप बताया था, ये वैसे ही मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ, इसमें जैसे आपको ये करना था, तो यहाँ पर आप ऐसे करके पूरा जिस टाइप का है उसी टाइप आप पूरा ब्लैक कर दीजिए, और यहाँ पर जैसे सर्कल है तो सर्कल करके आप ऐसे कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे किए होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले इस बार। और फ्रेंड्स आप ये भी बताइए मुझे कि आप कितने नंबर का अपने बोर्ड एग्जाम में कर कर आए हैं, और आपके यहाँ का सेट कौन सा था, यहाँ पर तो है 825 OA। तो फ्रेंड्स यही थी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए मैं साइंस की वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए और अपने साइंस की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए।